समय दोस्तों 9:51 हो रहा है और 46 सेकंड। देखिए अभी तक कोई ट्रेड लिया नहीं, जस्ट आया हूँ बच्ची को स्कूल से पहुंचा के। और था पहले मार्केट को देख लूँ क्या चल रहा है। निफ्टी 13 पॉइंट है निगेटिव और बैंक निफ्टी 152 पॉइंट है निगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए जो कल मैंने एक लेवल दिया था, एक प्राइस दिया था 47,920 वाला ना, यही स्पेशल प्राइस था। और देखिए वहीं से ये गिरा है, हाँ 47,920 बिल्कुल। ये पहली कैंडल ये है ना, हाँ ठीक। देखिए उसी के जब तक तो उसके ऊपर नहीं जाएगा ना तो ये खराब ही रहेगा। फिलहाल तो ऐसा ही हो सकता है। ओके, अब देखते हैं, सबको पहले हटाते हैं, सबको हटाइए जल्दी 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 जल्दी। सब हट गया। टाटा केमिकल 119 पॉइंट निगेटिव है, जबरदस्त गैप डाउन हो गया, ये जबरदस्त। चलिए अभी देखते हैं कहाँ गया। आने देते हैं उसको। इसमें लास्ट टाइम मैंने पुट ही लिया था और अच्छा प्रॉफिट काटा था थर्सडे को, और छोड़ देता तो और जबरदस्त हो जाता। मेरा था 1200 का था, सॉरी 1300 का पुट था टाटा केमिकल, और मैंने काटा था उसको 78 के आसपास में। टाटा केमिकल 57 पे लेके 78 पे काटा था उसको मैंने, टाटा केमिकल 1300 का। आज देखें कितना चल रहा है, आज तो लगता है ना फोड़ दिया होगा। ए देखिए उधर जो 45, मैंने 78 पे काट दिया था 57 पे लेके, हाई 120 तक का चला गया। वाह, चलिए देखें आज किधर लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। IEX टाटा कंज्यूमर में ज्यादा खराबी है, टाटा पावर में खराबी है, इधर कौन चल रहा है, सीमेंस टोरेंट फार्मा गजब, सिप्ला में भी है, वाह। शॉर्ट कवरिंग में कौन है, शॉर्ट कवरिंग में PNB वगैरह है। जिल भी है, जिल तो खैर है मेरे पास पोर्टफोलियो में, 154 के आसपास का लिया हुआ है। चलिए तो अभी हिसाब किताब यही है कि FMCG में कमजोरी है, खासकर टाटा का जो स्टॉक है उसमें कमजोरी है। TCS में इसमें एक पॉजिटिव है, टाटा कंज्यूमर में भयानक कमजोरी है। M&M का क्या चल रहा है। ओके, सपोर्ट पर है, ठीक है। HDFC बैंक ये तो फॉल ही कर गया होगा, 11 पॉइंट नीचे है। चलिए HDFC बैंक ला 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 ला। AU बैंक का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि बात यही है, अभी थोड़ा सा डायरेक्शन समझ ले। 750 के ऊपर जाएगा
तभी आपको फिर एक मोमेंट बनेगा। तो 47,700 का कॉल ऑप्शन पे पहले एक नजर रखें। बाइंग करने का इरादा हो तो 350 के ऊपर, पहले नहीं। बैंक निफ्टी 47, दोनों साइड को रखेंगे, पुट भी रखेंगे, सी एवं 350, उसके पहले नहीं। आगे दोनों में से जिसका ऑर्डर ट्रिगर होगा ना, उसमें फिर ट्रेड बनेगा, और नहीं तो नहीं। एक तो ये हो गया। चलिए ये 307 हो गया, एक हो गया 47,000, 47,600 का पुट, इस पे भी नजर रखेंगे। दोनों में से ट्रिगर होना, ये तो पहली कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है तो इसमें नहीं चलेगा, इसके ऊपर निकलेगा तभी चलेगा, और नहीं तो नहीं चलेगा। चलिए एक तो ये हो गया, और इसी को 47,600 का सी पी करना है। एवं इसको लेना है पहली कैंडल के ऊपर, 335-36 के ऊपर, कहे कि साइडवेज है कैंडल के शेडो में, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जिधर का भी मोमेंट आएगा ना तो ठीक आएगा। ये हो गया इधर का आप लोगों के लिए। अब जरा देखें, टाटा केमिकल में तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कि टाटा की शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रहा होगा, या जिल में तो खैर है, मेरे पास ठीक चल रहा है। नेम से देखें शॉर्ट कवरिंग है, इसमें कुछ नहीं है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा होगा इसमें, टाटा केमिकल में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है ना, यही हो रहा है। तब चलिए ठीक है, तो एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है इसका। चलिए दोस्तों अभी वेट करते हैं। देखिए मेरा पोजीशन अभी कुछ है नहीं, अब कुछ अभी हमको समझ में आ भी नहीं रहा है, ठीक है, इसके वजह से जो है अभी मैंने कुछ लिया नहीं है। ले लूंगा तो फिर जो है आपको अपडेट करूंगा। डीएलएफ ऊपर की तरफ, मुथूट फाइनेंस, बीपीसीएल, लुपिन, सिप्ला, बे मतलब किसमें तेजी बनी हुई थी उसका काम इसने फिनिश कर लिया। टाटा कंज्यूमर में आपका नीचे के साइड का मूवमेंट है। चलिए वेट करते हैं थोड़ा। टाटा केमिकल 1160 का पुट ऑप्शन, हालांकि थोड़ा महंगा मिलेगा ना, लेने की कोशिश करता हूं दो लॉट यहां से। अच्छा, सिक्योरिटी बैन है ट्रेड में, रिजेक्ट हो गया होगा।
बैन में है तब तो उसमें ट्रेड नहीं हो सकता। खैर बात ही छोड़ दीजिए, तब तो नहीं होगा ट्रेड। ओके, तो फिर भैया किसमें देखें, MFSL, BPCL, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का क्या स्थिति है? बहुत भयानक गिरावट आया था इसमें, लेकिन आज थोड़ा रिकवरी दिखाया है यहाँ पर से कुछ ऊपर। चलिए जाने देते हैं तेज, तो उसमें तो बैन ही है, कोई बात ही नहीं है। ला ला ला। चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको देखें। ओके, पॉजिटिव है। इसमें छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड किया जा सकता है। 2960 का रिलायंस। उनतीस सौ साठ का पुट ऑप्शन, इसमें ट्रेड किया जा सकता है 2 लॉट, 45 रुपया 35 पैसा पे मिला रिलायंस में। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर, इसका हाई ब्रेक हो जाएगा 2978 का, तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल तो अभी निगेटिव लग रहा है, हालांकि नीचे से रिकवरी भी मिला है इसको। अच्छा, 2957 से 73 चला गया, 25। चलिए वेट करते हैं। टाटा केमिकल पूरा साइडवेज हो गया है गिरने के बाद। 125, चलिए वेट करते हैं। तो 225, चलिए एक ट्रेड ले लिया है दोस्तों रिलायंस में। देखते हैं, उनतीस सौ सत्तर के नीचे भी खराब हो सकता है सेल। रिलायंस इंडस्ट्रीज उनतीस सौ सत्तर स्टॉप लॉस, 2980 टारगेट, 2960 से लेके 2950। सत्तर के नीचे आने पर खराब होगा। पचास, 22380 के नीचे तो ये कमजोर ही है बैंक निफ्टी। 22380 के नीचे वहीं से आपको गिरावट, 22380, अच्छा सॉरी, 22485, 22485 के नीचे वहीं से ये देखिए आ भी रहा नीचे, और ये बॉक्स एरिया इसके नीचे निकल जाए कमजोर जगह। रिलायंस चूंकि इसका मेन पार्ट है, ये भी कमजोर होगा। और इसमें देखिए अब 175 का प्रॉफिट रिलायंस में बन गया है। ठीक है, तो क्या रिलायंस में शॉर्ट बन रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, जरा देखें। रिलायंस तो नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं है। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है? रिलायंस, टाटा मोटर्स,
पी क्यू आर पावर इंस्ट नहीं है इसमें, रिलायंस आर पी क्यू आर नहीं है। लॉन्ग बिल्डअप में रिलायंस है क्या, इसमें भी नहीं है। रिलायंस इसमें भी नहीं है। नहीं है इसमें भी, रिलायंस नहीं है। रिलायंस यहाँ शॉर्ट कवरिंग में, शॉर्ट बनाया हुआ पोजीशन है उसको कवर कर रहा है, यानी कि पहले से सेल किया उसको कवर कर। ये देखिए नीचे आ रहा रिलायंस, तो मेरा यहाँ 625 का प्रॉफिट बन गया है ना, शॉर्ट कवरिंग चल रहा है रिलायंस में। अब ये देखना है हमको थोड़ा सा, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बना है पुट में ज्यादा, तो इसको देखते हैं। रिलायंस अभी चल रहा है 2970 के आसपास, यहाँ कहीं पर है 478 360 2980 2960 2940 2060 2940 2950 तक आ गया तो मजा आ जाएगा। 2950 यहाँ तक अगर आ गया तो मजा आ जाएगा। इसमें 650 का प्रॉफिट चल रहा है। रिलायंस 2969 750 हो गया, ठीक है। आ रहा आ रहा 67 आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ जा। यहाँ तोड़ो इसको तो ये बढ़ा 825 हो गया, ठीक है 825 हो गया, 825 हो गया। तो 250 एक लॉट निकालेंगे भैया, एक लॉट निकाल देंगे, दो लॉट है एक लॉट निकाल दूंगा। टाटा कंज्यूमर गिर रहा है तेजी से, एक लॉट नहीं निकल रहा है। उसमें शॉर्ट कवरिंग छियालीस पॉइंट से 46 70 46 35 66 आ जाएगा नीचे। 2950 तक आना चाहिए, 350 55 ये सब आना चाहिए। ये भी ना ये कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है, ये दिक्कत है ना, ये तो दिक्कत है। टाटा केमिकल का पुट देखिए ऊपर भागा टाटा केमिकल और नीचे गिर गया, देखिए जबरदस्त। पाँच सौ पचहत्तर एक लॉट तो निकालना है पहले, 46 90 पे मैं एक लॉट 47 पे ही लगा के रखता हूँ, एक लॉट रखता हूँ निकाल दे देगा, 50 पैसे का डिफरेंस दे देगा, निकाल देगा वो। बैंक निफ्टी का पुट दिया था 600 का, 47 600 का पुट,
देखिए अगर अभी आपको करेंट भाव पे दे देता तो आप लॉस खा जाते हैं। देखिए इसीलिए मैंने पहली कैंडल के ऊपर 340 के ऊपर दिया है आपको, देखिए है ना 340 के ऊपर, उसके ऊपर वो जा ही नहीं रहा है, जाएगा तभी पुट में तेजी आएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल 1186 यानी इसमें डिसीजन नहीं है। एमएनएम का चार्ट देखें, देखिए जबरदस्त बोलो। इसके अलावा है पॉलीकैब, नजर पे रखना चाहिए। एमएनएम ठीक लग रहा है, के आसपास का आ सकता है। चल रहा है 1900 के आसपास। देखिए एक लॉट बुक हो जाएगा, ठीक है एक लॉट बुक हो जाएगा। फिलहाल एमएनएम किधर है, इसमें भी नहीं है, शॉर्ट बिल्डअप में। यहां से स्टॉक्स थोड़ा सा पता चल जाता है। एमएनएम, एमएनएम नहीं है, लॉन्ग बिल्डअप में नहीं, ठीक। चलिए रिलायंस नीचे एक ऑर्डर ट्रिगर हुआ, देखिए एक लॉट ट्रिगर हो गया दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, एक लॉट बुक हो गया ना जो टारगेट लगाया था। चलिए वेट करते हैं। एमएनएम देखिए ऑर्डर ट्रिगर हो गया, 1892 के ऊपर दिया था, इसमें ट्रिगर हो गया। और रिलायंस का पुट दिया था, देखिए रिलायंस से जो लगता है निकलने का बारी आ गया है दोस्तों मेरे ख्याल, हालांकि है कमजोर है ना, तो भी देखते हैं अगर इस लेवल के नीचे आ गया तब तो ये कमजोर ही होगा। आ रहा है नीचे, रिलायंस 550 चल रहा है, ठीक है। और भी खराब हो रहा है रिलायंस, ठीक है हो जाए। मुझे यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसको मैं बेच देता हूं, निकल जाएगा। 500 उसमें बुक हुआ, 400, 500 इसमें बुक हो जाएगा तब ना, हाँ निकल गया, तब रिलायंस से निकल गया, ठीक है। लेकिन कमजोर साइडवेज है, कैंडल के शेडो में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक पे क्या चल रहा है मामला, 1431।
लग रहा है HDFC बैंक से देखना चाहिए, एक नजर रखना चाहिए। वाह, 1430 31 लाख, बहुत हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है। चलिए देखते हैं, कुछ अगर मिलेगा तो HDFC बैंक में ही सोच रहा हूँ किया जाए। ठीक है, वेट करता हूँ। HDFC बैंक का दोस्तों एक लॉट लिया है, 550 का इसका लॉट साइज है और 1440 का लिया है मैंने, 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे लग रहा है HDFC बैंक में नीचे से एक रिवर्सल मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी भी अगर रिवर्ट करता है तो यहाँ से आपको वापस से 47,920, 47,900 तक को क्लेम कर सकता है। उसमें HDFC जरूर पार्टिसिपेट करेगा। मैंने 1440 का कॉल ऑप्शन ले रखा है यहाँ। अगर इस यहाँ तक आ जाता है तो मेरा एट द मनी हो जाएगा, तो मेरा अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। फिलहाल 275 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस समय 10:26:57 हो रहा है, तो था ठीक लग रहा है HDFC बैंक। और ये चल रहा है ठीक है, और इधर मेरा 302 रुपये का हो गया, ये भी ठीक है। चलिए तीन चार पॉइंट चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये देखिए 1434 हो गया, चलना चाहिए HDFC बैंक। एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट एरिया से ये बाउंस कर जाए तो मजा आ जाए। इसी एरिया पर ये कई बार बाउंस करता है। मुझे तो 1400, देखिए 36 हो गया इधर, तो इस तरह 577 का प्रॉफिट हो गया। चलिए अपना काम हो गया, बिल्कुल सही टाइम पकड़ा। 1440 का कॉल ऑप्शन है मेरे पास, तो इसका दोस्तों बहुत ही सिंपल उपाय है। मैं इसमें अगर ध्यान नहीं दूंगा तो 25 25 रुपये 45 पैसे का एकदम, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट का ही स्टॉप लॉस लगा दूंगा। देखिए इसमें मैं खोऊंगा फिर कुछ भी नहीं, उधर तो मेरा जो प्रॉफिट बुक हो गया सो बुक हो ही गया है ना। 25 55 और 25 60, ये मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूं इसमें। देखिए आ गया, तो मैंने अपने बाइंग प्राइस से ऊपर का स्टॉप लॉस कर दिया है, तो इसमें लॉस तो नहीं होगा। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा तो ये ऊपर के लेवल भी और दिखा सकता है, बहुत बढ़िया लेवल दिखाएगा, इसके वजह से अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है। ठीक है ना, तो इसको भी लगा के मैं छोड़ दूंगा और इसका चलने दूंगा। अगर कट गया मान लीजिए तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस इसमें होगा। और अगर ये रिवर्सल ले लिया, यहाँ से जो रेंज बना रखा है इसको अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकालता है इस एरिया को, तो ये फिर चला जाएगा 30 से लेके 32 तक 31 तक। इसके लिए यहाँ पर मुझे HDFC बैंक में तेजी को सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें तेजी आना चाहिए, तभी तो है ना। उसके लिए बैंक निफ्टी को भी ऊपर चलना होगा। देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो इसके वजह से वो भी नीचे आ रहा है। इसलिए लगता है बैंक निफ्टी अपना काम कर चुका है, नीचे का रिवर्सल आना चाहिए। इसलिए कॉल ऑप्शन भी मैंने आप लोग को दिया था, कॉल ऑप्शन 47 700, इसके लेवल मॉडिफाई करके 325 भी कर सकते हैं, 325 से 30 इसका बैंक निफ्टी 47 700 का सी लेवल मॉडिफाइड से बाय भव, थोड़ा नीचे से अब ले सकते हैं। 325 स्टॉप लॉस, 290 टारगेट, 345 से लेके 375, थोड़ा सा जो है उसका चेंज किया जा सकता है। ट्रिगर नहीं हुआ था कॉल वाला, इसलिए लेवल मॉडिफाइड हो गया। MNM आप लोगों को दिया हुआ था, MNM, और MNM का टारगेट देखिए 1897 का इसने हाई लगाया, और MNM 1892 के ऊपर दिया था हाई, 1897 लगा दिया है ना हाई।
1897 का लगा दिया इसने, ठीक है, M&M में, फिर नीचे आने लगा। और HDFC बैंक यहीं पर है मेरा, तो ठीक ठाक घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 412 का प्रॉफिट है। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या ऊपर रखा है, कटने का चांस नहीं है, माने स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो मेरा कुछ लॉस नहीं होगा, ये कह रहा हूं। रिलायंस देखिए, रिलायंस नीचे आ रहा है, मैं तो निकल गया, आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रिलायंस को मैंने आप लोग को सेल दिया था 70 के नीचे, 60 के टारगेट के लिए, 65 हो चुका है। टाटा कंज्यूमर 1685, ठीक है। टाटा केमिकल, इसका तो विध्वंस मच गया, इसमें तो ट्रेड ही नहीं करना। HDFC बैंक 1434, चलो यही एरिया है, इसका हर्डल है 1435 वाला एरिया, 35-36 जो है ना, ये एरिया, इसको तोड़ेगा तो 40-44 तक जा सकता है। और मेरा प्रॉफिट 522 का बन रहा है। चलिए वेट करते हैं दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद। रिलायंस का दोस्तों फर्स्ट टारगेट डन हो गया है, हालांकि मैं अपने पुट ऑप्शन से प्रॉफिट लेके बाहर आ गया, लेकिन आप देखिए रिलायंस यहाँ टारगेट डन हो गया, ठीक है ना। पहला टारगेट 60 वाला मिल गया आपको, तो मेरा जिम्मेदारी आप लोग के प्रति इधर समाप्त हो गया आज अभी फिलहाल। और मेरा HDFC बैंक में पोजीशन है, ओ और ये ट्रेलिंग एसएल कट गया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए अभी का तो फिलहाल खत्म हो गया। टाटा कंज्यूमर शानदार भागा, वाह, नीचे से गिरावट शुरू हो गया टाटा कंज्यूमर का। चलिए तो इधर का तो काम फिनिश हो गया, अभी कहीं कुछ मूवमेंट है नहीं। देखिए बैंक निफ्टी भी उसी जगह पर है, 600 के आसपास में है, हालांकि ये एरिया है सपोर्ट एरिया, और रुपया मजबूत है तो इसको थोड़ा सा कमजोर करता ही है। 500 के आसपास मिले तो मजा आ जाए। चलिए ठीक है, अब तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है हमारा, ठीक है, अगर लूंगा तो फिर अपडेट करूंगा, नहीं तो ये लास्ट ही ट्रेड है, कुछ दिख नहीं रहा है, मामला जम नहीं रहा है। एक ही 40-72 पॉइंट में निफ्टी है, यानी कि बिल्कुल ये भी साइडवेज जोन में फसल है, एक ही जगह पर बड़ी कैंडल बनाता है, रिकवर करता है, फिर वो काम खत्म कर देता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, समय हो गया है 10:53, और इसमें मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग में वोल्टास को देख पा रहा हूँ। इसको देखते हुए मैंने ना वोल्टास का एक पुट ऑप्शन ले लिया है 1050 का, ठीक है, पुट ऑप्शन, और इसमें मुझे 210 रुपये का लॉस, हालांकि अभी प्रॉफिट में थे, थोड़ा सा ऊपर ये गया हुआ था, अभी लॉस दिखा रहा है। तो ये मैंने एक पुट ऑप्शन लिया हुआ है वोल्टास का, चूंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, यानी कि जो लोग कॉल साइड बैठे होंगे, जो लॉन्ग लेके बैठे होंगे बाय साइड का, वो अपना पोजिशन को यहाँ से काट रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है, तो हटा के वो कहीं साइड शिफ्ट कर रहे होंगे, पता नहीं। अब ये देखना है इसमें मुझे कब ये प्रॉफिट आता है और कब ये मुझे लॉस देता है। ये एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी रखा है, क्लियर ना, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। वोल्टास में दोस्तों 210 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ से आप देखेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग वोल्टास से खत्म हो रहा है ना, लोग अब लॉन्ग साइड में उसमें नहीं रहना चाह रहे, यानी कि हो सकता है कहीं प्रॉफिट वगैरह ले रहे होंगे तो इसलिए अनवाइंड कर रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, उसको नीचे आना होगा, तो जब वो नीचे आएगा तो पुट ऊपर चला जाएगा, तो मैंने वही देख के इसका पुट ले लिया है। इसमें 210 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है और मैंने लिया 1050 का पुट है इसमें, और अगर स्पॉट प्राइस बात करें तो 1066 के आसपास चल रहा है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से ये तोड़ता है तो 60 तक गिरना चाहिए, और 60 तक गिरेगा तो 2-3 पॉइंट मुझे यहाँ पे मोमेंट बन जाएगा और वो मैं लेके फिर निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, इसको चलने देते हैं। देखिए दोस्तों वोल्टास जो है बहुत अच्छे तरीके से नीचे आ गया, 1064 तक आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे पुट ऑप्शन में 720 रुपये का प्रॉफिट वोल्टास में बन गया है, तो ठीक ठाक आ रहा है। अब मैं इसमें भी जो है अपना प्रॉफिट को बुक कर लूंगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा,
इसका बुक कर लेता हूँ, 23 रुपये 85 पैसा, 23 मैं 24 रुपये पे रख देता हूँ, मिल जाएगा मुझे 24 रुपये का, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, मिल जाना चाहिए बिल्कुल। 23.95 का हाई है, 24 पे मिल जाएगा, 24 पर होगा अभी मेरे ख्याल से, 23.95 लास्ट है, इसके बाद मेरा ही प्राइस है। और ये वोल्टास थोड़ा कमजोर है ही, आ रहा है धीरे धीरे नीचे, तो दे देगा, कोई ऐसे खराबी वाली बात नहीं, मिल जाएगा 23.95, 23.90, 23.90 भी कर सकता हूँ मॉडिफाई करके, क्या दिक्कत है। 23.95, 23.95 ही रहने देता हूँ, ये देखिए बुक हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। एक बार और जैसे ही नीचे मारेगा ना, बुक हो जाएगा। और बैंक निफ्टी और निफ्टी देखिए एकदम 70 पॉइंट और 200 पॉइंट इसी रेंज में एक ही जगह पे ये फंसा के प्रीमियम खाएगा। हालांकि ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ है, जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो उसका ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, तो कोई टेंशन उसमें है नहीं, है ना, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात भी नहीं है, बाकी तो ठीक है। क्या इसको बुक कर लें क्या? वोल्टास आ जाना चाहिए, हालांकि दो जी बना रहा है, तो इसको बुक ही कर लेता हूँ। चलिए बुक कर लिया इसको भी, तो इधर का भी काम हो गया फिनिश। हाँ ठीक ही है, बुक कर लिया, चलिए छोड़ते हैं। HDFC बैंक, ये तो खराब ही है, टाटा केमिकल, इसका तो हालत खराब हो गया, रिलायंस, इसमें आपका प्रॉफिट बुक हो ही गया ऑलरेडी, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब नहीं करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।